हेलो ऑल। चलो अब हम आगे का टॉपिक शुरू कर दें। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो पार्ट है आपके बोर्ड के रिलेटेड हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो आज हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बोर्ड के रिलेटेड खत्म हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या रहेगा, व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली चीज ऐसी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, वो भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अपना कि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को सी डबल बॉन्ड और डैश ओएच ग्रुप अटैच है। ये जो ग्रुप है हमारा, दिस ग्रुप हैज माइनस आई इफेक्ट। ये ग्रुप को माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट रहेगा। जब भी कोई ग्रुप को माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट रहेगा तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे दे आर पुल्ड टूवर्ड्स द ग्रुप, और बेंजीन जो रहेगा बेंजीन हो जाएगा डीएक्टिवेट। क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट। तो बेसिकली अपन ऐसा बोल सकते हैं, इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ, तो ये हो जाएगा सी ओ माइनस, इधर आ जाएगा ओ एच, इधर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इसको अगर सपोज आपने आगे बढ़ाए तो ये ग्रुप इधर ट्रांसफर होगा, और ये ग्रुप जब इधर ट्रांसफर होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड सी ओ एच ओ माइनस, ये इधर डबल बॉन्ड आपका वैसा के वैसा। व्हेन यू ऑब्जर्व द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने के बाद में ये क्लियर कट दिख रहा कि नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज विल अपियर ऑन, नेगेटिव चार्ज विल अपियर ऑन द मेटा पोजिशन। कौन से पोजिशन पे? मेटा पोजिशन। तो सबसे पहला पॉइंट आपको कभी भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझना है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालो। इसका हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाला तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने पे से एक चीज क्लियर हो रही है यहाँ पे, और ये चीज जो क्लियर हो रही है हमारी वो क्या है कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है दैट अपियर्स ऑन, नेगेटिव चार्ज अपियर्स ऑन मेटा पोजिशन। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने के, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इट इज डीएक्टिवेटिंग, इट इज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। अगर सपोज आपको क्वेश्चन आया व्हाट इज द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ, व्हाट इज द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ, इन्फ्लुएंस ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में हम ऐसा बोलेंगे कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डीएक्टिवेटिंग, मतलब ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी कम कर देते, दे डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग, आर डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। तो आपका जो बेंजोइक एसिड रहेगा वो बेंजोइक एसिड में आपको यह दिखेगा अगर नेगेटिव चार्ज विल अपियर ऑन मेटा पोजिशन, और नेगेटिव चार्ज अगर सपोज मेटा पोजिशन पे अपियर हो रहा है तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज मेटा डायरेक्टिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका मेटा डायरेक्टिंग रहेगा फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये लिख के रखना है, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स दैट आर एरोमेटिक इन नेचर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, आर डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। तो आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग रहेंगे, इतना अपने को पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलो इसके ये एक जनरल पॉइंट हमारा, अब इसके बेसिस के हमारे को रिएक्शन समझ गए। तो व्हाट आर रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझेंगे।
तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट हम कंसिडर कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पॉइंट ध्यान रखो कि मेटा डायरेक्टिंग रहेगा, और उसमें सबसे पहला जो रिएक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं सपोज दैट इज नाइट्रेशन। अलग अलग टाइप के रिएक्शन ऑलरेडी हमने देखे नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन का डेफिनेशन सबको याद होगा। नाइट्रेशन में हमने ऐसा बोले थे, ऐसा डिस्कशन किया हुआ है इसके ऊपर, कि द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय नाइट्रो ग्रुप, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम निकालते हैं हम और उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप लगाते हैं, तो उसको हम नाइट्रेशन बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड इज नाइट्रेशन, नाइट्रेशन इज द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय नाइट्रो ग्रुप। हाइड्रोजन एटम को निकालना है, उसको नाइट्रो ग्रुप से आपको रिप्लेस करना है, तो आपका जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है सी डबल बॉन्ड डैश OH, अब इसकी रिएक्शन हम HO-NO2 के साथ में करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमने इसके पहले डिस्कशन किया हुआ है कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इनके मिक्सचर को, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इनके मिक्सचर को हम नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन दे आर मिक्स टुगेदर दिस कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, उसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज ये रहेगी आपकी कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ये आपको निकाल देना है और उसके जगह पे NO2 ग्रुप लगा देना है, तो आपका जो ग्रुप मिलेगा वो ग्रुप इस तरीके से दिखेगा। यू आर गोइंग टू गेट दिस विल बी सी डबल बॉन्ड डैश OH एंड NO2 ग्रुप विल बी अटैच एट मेटा पोजिशन पे NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, इधर का H इसके OH के साथ कंबाइन करेगा एंड यू आर गोइंग टू गेट वाटर एज बाय प्रोडक्ट, वाटर विल बी बाय प्रोडक्ट, और ये जो कंपाउंड तैयार हो रहा है इसका नाम रहेगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हमारा कंपाउंड तैयार हो जाएगा। तो इस कंपाउंड इज ऑप्टेंड, कंपाउंड ऑप्टेंड इज मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ये जो हमारा बेंजोइक एसिड है दिस इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में करा है तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड आपको मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से हमारी रिएक्शन होंगी नाइट्रेशन। सो प्लीज नोट डाउन दिस रिएक्शन, डिस्क्रिप्शन आप ऐसा लिखेंगे, व्हेन बेंजोइक एसिड इज रिएक्टेड विद नाइट्रिक एसिड देन इट गिव्स मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, क्या देगा आपको ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये सबसे पहला कंसेप्ट आपका रिलेटेड टू नाइट्रेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तीन रिएक्शन है टोटल जो हमारे को समझने की है, ये पहला वाला नाइट्रेशन आपका। ठीक है, नाइट्रेशन के बाद में रेड ऑन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा सल्फोनेशन रिएक्शन, रेड ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन रिएक्शन। तो अब ये सल्फोनेशन रिएक्शन कैसे होंगी वो हमारे को समझना है, व्हाट इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन। अब सल्फोनेशन रिएक्शन में हम कंसिडर करेंगे रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सपोज वापस से सिंपल सा केस है, हाइड्रोजन एटम आपको निकालना है उसके जगह पे SO3H ग्रुप ऐड कर देना है। ठीक है, तब ये हो जाएगा आपका दिस इज योर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड को आप H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम आपको खड़ा कर देना है। हाइड्रोजन एटम जो आप निकाल देंगे तो हाइड्रोजन एटम की जगह पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा SO3H, तो अपन ऐसा कंसिडर करेंगे इसको सल्फ्यूरिक एसिड को OH-SO3H। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको कंसिडर करें। अब क्या होगा, ये H इसके साथ निकल जाएगा तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो ऐसा देखेंगे, तो विल गेट COH ग्रुप एट योर फर्स्ट पोजिशन और SO3H ग्रुप मेटा पोजिशन पे, तो तुम्हारे मेटा पोजिशन पे यानी बेंजीन रिंग के मेटा पोजिशन पे कौन सा ग्रुप मिलेगा SO3H ग्रुप मिलेगा प्लस बाय प्रोडक्ट विल बी वाटर। ये सिंपल वाला कंसेप्ट है, कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, आपको क्या करना है यू नीड टू रिमूव हाइड्रोजन एंड रिप्लेस बाय SO3H ग्रुप।
नाइट्रेशन में हमने हाइड्रोजन एटम निकाल दिए थे, उसकी जगह पे क्या लगा दिए थे, SO3 ग्रुप लगा दिए थे। सॉरी, नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप था, सल्फ्यूरिक एसिड में हम हाइड्रोजन निकाल दे रहे और उसकी जगह पे SO3 ग्रुप अटैच कर दे रहे। इस तरीके से सिंपल सा रिएक्शन रहेगा सल्फोनेशन। और हमेशा सब्स्टिट्यूशन कौन से जगह पे होगा, मेटापोजिशन पे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज ऑकर एट मेटापोजिशन। एक और एक रिएक्शन करते हैं इसके रिलेटेड सल्फोनेशन के बाद। नेक्स्ट वाला जो हमारा रिएक्शन रहेगा सल्फोनेशन के बाद की जो रिएक्शन है, दैट रिएक्शन विल बी, सल्फोनेशन के बाद की जो हमारी रिएक्शन रहेंगी वो रिएक्शन को हम कौन सा वाला कंसिडर करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसिडर ब्रोमिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन जिसके पहले हमने करे थे वैसे वाला ब्रोमिनेशन करते हैं। ब्रोमिनेशन का क्या डेफिनेशन रहेगा, रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय ब्रोमीन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम निकाल दिया जाएगा, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय ब्रोमीन इज कॉल्ड एज ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम निकाल दे रहे हम और उसकी जगह पे क्या लगा रहे, ब्रोमीन लगा रहे, उसको हम ब्रोमिनेशन बोलेंगे। तो व्हाट इज ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन इज द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड, ब्रोमिनेशन इज द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय ब्रोमीन। वापस से ये कौन सा डायरेक्टिंग रहेगा, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी मेटा डायरेक्टिंग। अब ये सी डबल बॉन्ड डैश OH, यहाँ पे जो रहेगा दिस इज योर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि मैं मेटा पोजिशन हर बार का हाइड्रोजन मेटा पोजिशन का बता रहा, रीजन ये क्योंकि मेरे को मेटा पोजिशन का हाइड्रोजन निकाल देना है। आपको हमेशा याद रखना है कि बेंजोइक एसिड जो है इट इज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, ये डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका एक BR इसके H के साथ निकल जाएगा और आपका बाय प्रोडक्ट मिलेगा HBr। इधर जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी BR एट मेटा पोजिशन, ये ब्रोमीन, और ये इधर आ जाएगा COH, इसको हम बोलेंगे मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड आपको मिलेगा। तो इस तरीके से सिंपल से रिएक्शन है, दिस रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ कौन सा, बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की ये तीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। अब जनरली आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि बेंजोइक एसिड का फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन होता है क्या। तो एक इम्पोर्टेंट नोट लिखो, प्लीज राइट डाउन इम्पोर्टेंट नोट, ये रिएक्शन होने के बाद हमारे को इम्पोर्टेंट नोट लिखना है, बेंजोइक एसिड, इम्पोर्टेंट नोट लिखो, बेंजोइक एसिड डू नॉट शो और अंडरगो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी आ सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शंस, तो आंसर रहेगा बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। तो बेंजोइक एसिड डू नॉट शो और अंडरगो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट शोन बाय बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन दोनों रिएक्शन नहीं बताता, ठीक है। ये सब आपके रिएक्शन से, दीज आर ऑल रिएक्शन दैट आर इंक्लूडेड इन योर बोर्ड सिलेबस, बोर्ड JEE नीट CET। एक लेक्चर और एक पेंडिंग रहेगा हमारा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू स्पेशल एसिड्स, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बारे में कुछ डिस्कशन होगा, बट बोर्ड के लिए आपका इतना ही पॉइंट है। और एक क्वेश्चन जो आपको आ सकता वो ऐसा, अब दो क्वेश्चन कंसिडर करते हैं हम, वी आर गोइंग टू सॉल्व टू क्वेश्चन, फिर उसके बाद में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखो, राइट यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के आपको यूजेस लिखना है। तो चलो क्वेश्चन नोट डाउन करो, राइट यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपके पूरे ये रिएक्शन वगैरह हो गए हैं, जितने भी रिएक्शन थे, न्यू सिलेबस वगैरह तो सब मैंने कवर कर लिया है। तो आगे का जो पॉइंट रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू
हमारा यूजर्स और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो एक मार्क के लिए आ सकता, वो होने के बाद हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी, पहले वाला क्वेश्चन लिख लो, राइट यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के हमारे को यूजेस लिखने के हैं। राइट यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सिंपल सा पॉइंट है इसमें, यूजेस में सबसे पहले तो आपका एसिटिक एसिड जो है, इट इज कंसिस्टेंट ऑफ विनेगर, एसिटिक एसिड एक विनेगर का कंसिस्टेंट है, तो एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज विनेगर। तो वैसे बोलेंगे 5 to 8% एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर 5 to 8% एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर एंड इट इज यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव 5 to 8% एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एज विनेगर एंड इट इज यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव ये प्रिजर्वेटिव में यूज होता है एंड इट इज यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव ये सबसे पहला पॉइंट। या फिर प्रिजर्वेटिव के साथ साथ इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग केचप वगैरह, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। प्रिजर्वेटिव लिख के रखो, केचप में आप लिखना है तो लिख सकते हैं, ये पहला पॉइंट आपका। अब बटर को जो रैंसिड करवाता है दैट इज कॉल्ड ब्यूटेरिक एसिड, तो ब्यूटेरिक एसिड या ब्यूटेनॉइक एसिड इज प्रेजेंट इन बटर, ब्यूटेनॉइक एसिड इज प्रेजेंट इन बटर, तो बटर में प्रेजेंट रहने वाला रहेगा ब्यूटेनॉइक एसिड। फिर उसके बाद में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका नेक्स्ट वाला जो है एडिपिक एसिड, ये एडिपिक एसिड का यूज है टू प्रिपेयर नायलॉन 6,6। एडिपिक एसिड इज यूज टू प्रिपेयर नायलॉन 6,6 ऑलरेडी बना है मैंने आपको, इसके पहले पॉलीमर चैप्टर में पूरा डिस्कशन नायलॉन 6,6 के बारे में हुआ है। एडिपिक एसिड इज यूज टू प्रिपेयर नायलॉन 6,6। फिर उसके बाद में और एक पॉइंट अपन ऐसा बोलेंगे कि इसके जो फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, इससे हम सोप बनाते हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स आर यूज्ड एज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स आर यूज्ड एज सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो सोप और डिटर्जेंट में यूज होने वाला कौन सा रहेगा, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये आपके यूजेस है। यू कैन राइट डाउन यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और बहुत सारे यूजेस है, यू कैन सर्च फ्रॉम वेरियस बुक एंड राइट डाउन यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इतने लिखने के आपको 2 मार्क मिलेंगे, बोर्ड के रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यूजेस क्या क्या रहेंगे, इम्पोर्टेंट कि वो प्रिजर्वेटिव के जैसा यूज होता। सेकेंड, इट इज प्रेजेंट इन बटर, रेंसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्यूटेरिक एसिड। फिर एडिपिक एसिड इज यूज टू प्रिपेयर नायलॉन 6,6, और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का यूज क्या होगा, इट इज यूज टू प्रिपेयर सोप वगैरह या डिटर्जेंट वगैरह में बनाने में भी काम में आएगा हमारा फैटी एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम बनाएंगे उसको। तो इतना पॉइंट आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये जनरल सा पॉइंट है आपका यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लीज नोट डाउन यूजेस। फिर यूजेस के बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो सिर्फ लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है, वो हमारे को पॉइंट समझना है। तो इतना पॉइंट लिख लिया सबने, तो फिर लास्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के चैप्टर रिलेटेड, व्हाट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है वो हमारे को समझना है। व्हाट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या रहेगा वो हमारे को समझना है। व्हाट इज ग्लेशियल एसिडिक एसिड
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि आपका जो एसिडिक एसिड है उसके प्योर फॉर्म में जब वो आ जाएगा, प्योर एसिडिक एसिड, आपका पॉइंट ऐसा रहेगा, प्योर एसिडिक एसिड हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, और उसका मेल्टिंग पॉइंट अपन ऐसा बोलेंगे इट इज 289.5 केल्विन, 289.5 केल्विन पे उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट आप बोल सकते हैं। ये प्योर एसिटिक एसिड जो रहेगा जब ये फ्रीज हो जाता एट अ वेरी लो टेम्परेचर, इसमें का पूरा वाटर मॉलिक्यूल वगैरह सब निकल जाएगा और हम इसमें ऐसा बोलेंगे कि आपको प्योर एसिटिक एसिड मिलेगा। दिस प्योर एसिटिक एसिड लुक्स लाइक आइस ग्लेशियर्स, ये जो बर्फ का जो पहाड़ का बर्फ के जो पहाड़ रहते तो उसके ऊपर से जो बर्फ गिरती उसको हम ग्लेशियर्स बोलते, तो जो ग्लेशियर्स के जैसे दिखता, ग्लेशियर्स के जैसे जो चीज दिखेगी, यानी एसिड को अगर अपने फ्यूज करे यानी उसका सॉलिड अगर बना दिए तो इट विल कूल करने के बाद में, फ्रीजिंग करने के बाद में आपका प्योर एसिटिक एसिड ग्लेशियर के जैसे दिखेगा, आइस के जैसा दिखेगा। ये आइस के जैसे दिखता है इसके लिए इसको हम ग्लेशियल एसिडिक एसिड बोलते हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिडिक एसिड, प्योर एसिडिक एसिड हैज वेरी लो, आंसर लिखो आप, प्योर एसिडिक एसिड हैज वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज 289.5 केल्विन। व्हेन इट इज फ्रीज्ड इट लुक्स लाइक ग्लेशियर्स ऑफ आइस, व्हेन इट इज फ्रीज्ड इट लुक्स लाइक ग्लेशियर्स ऑफ आइस, ये आइस के जैसे दिखते हैं हमारे को, इट लुक्स लाइक ग्लेशियर्स ऑफ आइस। एंड इन प्योरेस्ट फॉर्म, एंड इट इज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिडिक एसिड, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिडिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सिर्फ एडिशनल पॉइंट अब आएगा हमारा जेई के रिलेटेड, वो भी एक ही चैप्टर यानी एक ही लेक्चर रहेगा हमारा 45 मिनट्स, नियर अबाउट 45 to 50 मिनट्स का। तो हमारा बोर्ड के रिलेटेड का पूरा पॉइंट हो गया, एडिशनल पॉइंट इसके पहले भी बहुत सारे बताए मैंने, एक लेक्चर रहेगा सिर्फ, बाकी का पूरा पार्ट ये चैप्टर के रिलेटेड हो गया है। ठीक है, तो पूरा पार्ट कंप्लीट करके रखो, घर पे पढ़ाई भी करो, स्टे होम स्टे सेफ।